हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपके सामने अन की मात्रा यानी अनुस्वार पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको अ की, आ की और इसके बाद की सारी मात्राएं पढ़ाया है, जो वीडियो अपलोड है। आप इसको पहले जो लोग नहीं पढ़ सके हैं, अ की मात्रा से लेकर पढ़ेंगे, फिर अंत में आप अन का जो मात्रा पढ़ाया जा रहा है अनुस्वार, उसको पढ़िएगा। तो ये है, इन्हें पढ़िए, ये आपकी UKG की बुक है, उससे पढ़ाया जा रहा है। बुक आपके सामने है, सामने रख के भी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है अ, ये अनुस्वार और ग, यानी अ में अनुस्वार अन, ग अंग, र में अनुस्वार रंग, ग रंग, स में अनुस्वार संग, ग संग, द में अनुस्वार दंग, ग दंग, त में अनुस्वार तंग, ग तंग, झ में अनुस्वार झंग, ड में आकर डा झंडा, ड में अनुस्वार डंग, ड में आकर डा डंडा, अ में अनुस्वार अंग, ड में आकर डा अंडा, ह में अनुस्वार हंग, स हंस, क में अनुस्वार कंग, स कंस, ग में अनुस्वार गंग, ग में आकर गा गंगा, न में अनुस्वार नंग, ग में आकर गा नंगा, च में अनुस्वार चंग, ग में आकर गा चंगा, द में अनुस्वार दंग, ग में आकर गा दंगा, ब में अनुस्वार बंद, द में आकर दा बंदा, ज में अनुस्वार जंग, ग ल जंगल, म में अनुस्वार मन, ग ल मंगल, च में अनुस्वार चंग, च ल चंचल, प में अनुस्वार पन, त प, त में अनुस्वार तन, ग पतंग, प त में अनुस्वार तन, ग पतंग, प ल में अनुस्वार लन, ग लंग पलंग। अब इसको आप देखें, आपकी ये अनुस्वार है और अनुस्वार की मात्रा ये है। इसको आप देखें कि अ में अनुस्वार अंग, ग अंग, ऐसे पढ़ें रंग, संग, दंग, तंग, ढंग, झंडा, डंडा, अंडा, ठंडा, हंस, कंस, गंगा, चंगा, नंगा, दंगा, डंक, रंक, कंधा, अंधा, धंधा, कंघा, जंघा, खंभा, चंदा, मंदा, फंदा, गंदा, बंद, मंद, जंगल, मंगल, चंचल, पतंग, पलंग, बंगाल, जंजीर, अंजीर, मंजन, इंजन, चंदन, शंकर। इसी तरह यहाँ वाक्यों को पढ़िए, रंग बिरंगी होली आई, अंकुर, मयंक, गंगू, अंकित, संजना, अंजू। फिर से पढ़ देते हैं, रंग बिरंगी होली आई, अंकुर, मयंक, गंगू, अंकित, संजना, संजू व अंजू सब रंग खेलने आए। अंजू ने संजू को पकड़ा, संजना ने रंग डाल दिया, सबसे सबने संग संग होली खेली, आओ सब गंगा के पवित्र जल में इन रंगों को धो डालें। वह देखो गंगा नदी के किनारे, उस मंदिर को देखो, वह भगवान शिव का मंदिर है। आपको अन की मात्रा यानी अनुस्वार पढ़ाया गया, घर पे आप इसको पढ़िए और लिखिए। और जो लोग भी YouTube के माध्यम से, यानी हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, यकीनन उनकी कुछ पढ़ाई हो रही है और वो घाटे में नहीं हैं। जो लोग गाफिल हैं या उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि खुलेगा तो देखा जाएगा, अब तो थोड़ा ही दिन रह गया है, ये गलत है। बच्चों के फ्यूचर से, उनके लाइफ से, उनके भविष्य से खेला जा रहा है, ये गलत है। किसी भी स्कूल के बच्चे हों, प्राइवेट, सरकारी,
सारे स्कूल अपने हैं और सारे बच्चे अपने हैं। पढ़ाई पे ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।